दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताने जा रहा हूँ किडनी के बारे में। किडनी एक जो बदन का एक ऐसा ऑर्गेन है जिसके अगर कोई इन्फेक्शन उसमें हो जाए तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है दोस्तों। क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन है कि जो बॉडी को और हॉर्मोन्स को, उसके साथ साथ जो हम खाते हैं पीते हैं, उन सबको एक्सक्रीट करने के बाद उसमें से जो है कीटोन्स और दूसरी चीज़ें निकालने के बाद वो उसे यूरिन के ज़रिए बाहर भेज देता है। अगर ये सारी चीज़ें अंदर ही रह जाएं तो दोस्तों कितना बड़ा नुकसान होगा हमारे बॉडी को, ये सोचने वाली बात है। तो एक किडनी जो है वो एक अच्छी होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब बीमारी नहीं होगी, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छे ढंग से गुजरेगी और आपको बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि किडनी एक जो, अगर इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है, आदमी को डायलिसिस तक का करवाना पड़ता है और उसके साथ साथ बहुत महंगा इलाज होता है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम क्या क्या करते हैं इसमें और हमको क्या खाना चाहिए। अच्छी होती है तो कई बार किसी दूसरे को ज़रूरत पड़ जाती है, किडनी डोनर भी होते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों की किडनी जब ख़राब हो जाती है तो दूसरे लोगों से उसे लेनी पड़ती है, उसे किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट करना इतना आसान खेल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दोनों किडनी को मिलाया जाता है, उसके बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट होती है। तो दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, इसी के लिए मैं जो है आपको एक ऐसी नुस्खा बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी किडनी, जो आपके मरीज़ हैं उसकी किडनी, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका इफ़ेक्ट किडनी पर आता रहता है और उनकी किडनी में परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। कई बार किडनी स्टोन्स होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए, जो जैसे कैंसर की दवाइयां हैं, ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयां हैं और बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जिनके लेने से जो है किडनी पर असरात आते रहते हैं और वो असरात इतने गंभीर होते हैं कि किडनी में वो इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। उनसे जो है उनके जो क्रिएटिनिन है या यूरिक एसिड है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो है दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो किडनी अगर अच्छी है, साफ़ है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो समझिए बहुत अच्छा है। किडनी के फंक्शन क्या हैं दोस्तों? किडनी का फंक्शन है, ये ब्लड को जो है प्यूरीफाई करता है, नंबर एक। नंबर दो, रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और बहुत सारे आयंस को जो है ये अपने अंदर से बाहर निकालता है और बॉडी के मेंटेन करता है। अगर और बहुत सारे हार्मोनल जो चीज़ें होती हैं उन एंडोक्राइनोलॉजी में भी इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, जो हमारे बॉडी की एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि सारे जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो सारा इसी चीज़ से होता है। तो फॉस्फोरस, अल्कलाइन, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें मैनेज करती है किडनी। और किडनी के जो फंक्शन हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं बॉडी के लिए। मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक नुस्खा, और नुस्खे के जो है उसकी दवाई भी मिलती है, आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, उस नुस्खे में है पुनर्वा और उसके साथ है पंचतरीन मूल, कासनी है, मको है, कमल ककड़ी है, गोखरू है, हरिद्रा है और सिंगरू है, रेवंद चीनी है, पपीता है, पाइनएप्पल है और आंवले का जूस है। तो ये सारी चीज़ें जो है किडनी में जाकर बहुत अच्छा उसे उसका जो काम करती हैं, नेफ्रोटॉक्सिक इफ़ेक्ट जो होता है, ये नेफ्रोटॉनिक का भी काम करती हैं, जो इफ़ेक्ट नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करती है ये दवाइयाँ, और एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम एनहांस होगा जब ही किडनी सही रहेगी।
तो ये जो दवाइयां हैं, जैसे मको है, मको का फंक्शन है कि उसकी सूजन उतारना, और कासनी जो है गंदे प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। इसी तरह से रेवन चीनी है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, और किडनी की जो दूसरी चीज़ें हैं उन्हें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे सही करती है, किडनी को ताकत देती है। और ये दवाई आपको जो है मार्केट में भी मिल जाएगी, जिससे कि किडनी डोनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किडनी ख़राब ही नहीं होगी तो डोनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो है मैंने ये आपको जो नुस्खा बताया है, ये जो है एमिल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के भी एक दवाई आती है, उसका नाम है नीरी के एफ टी के नाम से है, उसे आप ख़रीद सकते हैं, जिसे 3 चम्मच सुबह दोपहर रात को ले सकते हैं 3 बार। ये बच्चों में भी दी जा सकती है, 3 साल से बड़े बच्चे, 12 साल तक के बच्चों को ये दी जा सकती है आराम से। दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी की ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उन्हें पहले ब्लड शुगर लेवल को डाउन करना पड़ेगा, उसी के बाद ये दवाई लें। डायरेक्ट दवाई ना लें जिससे कि ब्लड शुगर लेवल और बढ़ जाए। ये यूरिक एसिड को भी मेंटेन करती है, बहुत सारे फंक्शन आपके बॉडी में जो नुकसान देते हैं उन्हें सबको ये मेंटेन करती है। किडनी को आपकी बहुत इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करती है, किडनी आपके बदन में एक अहम रोल अदा करती है एक्सक्रीटरी का। तो जब आपकी किडनी सही रहेगी तो दूसरे जो ऑर्गेन हैं बॉडी के वो भी सही रहेंगे। तो इसे इस्तेमाल कीजिएगा और फिर मुझे जो है बताइएगा कि आपके किडनी में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, या आपके जानने वालों के। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर किसी को ये दवाई मंगवानी है तो एमिल की हर जगह पूरे दुनिया में उसकी जो है ब्रांचेज हैं, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। मैं किसी का लिंक इसमें शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये दवाइयाँ अच्छी लगती हैं तो मैं उन्हें बता देता हूँ जिन चीज़ों को मैं अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो है किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में कई बार जो है किडनी की जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो अगर उनसे बचना है हमें तो इस चीज़ को अपनी किडनी को सही रखना पड़ेगा। तो और अच्छे ढंग से साफ़ सुथरी चीज़ें खाइए, साफ़ सुथरा पानी पीजिएगा और अपनी सेहत को सही रखिएगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।